नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में। आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप अपना खुद का बिजनेस ईमेल बना सकते हो विथ जीमेल। तो अगर आपको बिल्कुल फ्री में जीमेल की मदद से बिजनेस ईमेल बनाना है तो आज का वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं बिजनेस ईमेल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये सभी वीडियो के अंदर मैंने आपको जोहो मेल के बारे में बताया था कि जोहो मेल की मदद से किस तरह से आप अपना बिजनेस ईमेल बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको देखा जाएगा, सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलता है ये मेरा बिजनेस ईमेल hi@bhrt.in। तो ये एक बिजनेस ईमेल है। अब देखिए, इस प्रकार का आपके डोमेन के साथ जो आप कस्टम ईमेल बनाते हो इसे कहते हैं बिजनेस ईमेल। तो एक ऐसा टाइम था जब आप जोहो के अंदर बिल्कुल फ्री में इस प्रकार का ईमेल बना सकते हो, लेकिन जोहो अब बिल्कुल फ्री नहीं रहा। जोहो के अंदर अगर आपको बिजनेस ईमेल बनाना है तो आपको मंथली 59 रुपी पे करने होंगे, इसके बाद आप बिजनेस ईमेल बना सकते हो। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है कि अगर आपको अब बिल्कुल फ्री में जीमेल के मदद से बिजनेस ईमेल बनाना है तो किस तरह से बनाना है। तो आपको करना क्या होगा, सिंपल आपको एक वेबसाइट का यूज़ करना है और आपके पास आपका एक जीमेल आईडी होना चाहिए जिसके अंदर हम हमारा जो बिजनेस ईमेल है इसको फॉरवर्ड करेंगे। और ये बिजनेस ईमेल बनाने के लिए आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए, जो कि मेरा डोमेन नेम गोडीडी के अंदर है। तो सिंपल मैं प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके वो डोमेन में आपको दिखा देता हूँ। तो हम जाएंगे डोमेन के अंदर, इसके बाद यहाँ पर आपको दिखा देगा कि भरत मकवाना, ये डोमेन का हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम एक बिजनेस ईमेल बनाएंगे, यानी कि hi@bharatmakwana.com। तो सिंपल आपको करना क्या है, एक ब्राउज़र के अंदर आपको वेबसाइट ओपन करनी है, इसका नाम है इम्प्रोमैक्स। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दूंगा, इसके मदद से आसानी से आप बिल्कुल फ्री में आपका बिजनेस ईमेल बना पाओगे, यानी कि आपका जो बिजनेस ईमेल है इसको आप जीमेल के अंदर बिल्कुल फ्री में फॉरवर्ड कर पाओगे। तो इसको सिंपल हम ओपन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा वेबसाइट ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन अप करने के लिए आपका डोमेन नेम देना है, जिस डोमेन नेम के साथ आप अपना बिजनेस ईमेल आईडी बनाना चाहते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी देना है, जिसके अंदर आप अपने जो बिजनेस ईमेल के जितने भी ईमेल आएंगे इसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ओपन है हमारा, सिंपल इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको आपका डोमेन नेम लिखना है, डोमेन नेम लिखने के बाद आपको आपका जीमेल आईडी लिखना है। इसके बाद आपको क्रिएट अ फ्री एलियास के ऊपर, इसके बाद आपके रजिस्टर ईमेल एड्रेस के ऊपर एक ईमेल आएगा, इसको आपको वेरीफाई करना है। तो सिंपल यहां पर हम जाएंगे जीमेल के अंदर, तो यहां पर आपको देखा सबसे पहला ईमेल आपको इसको ओपन करना है। यहाँ पर सिंपल आपको जो आपका अकाउंट है इसको वेरीफाई करना है, तो इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद आप आगे की प्रोसेस कर पाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, वैलिडेट योर अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आपको जो आपका ये डोमेन है इसको सेटअप करना है। तो सिंपल आपको यहाँ पर रेड कलर के अंदर लिखा होगा कि ईमेल फॉरवर्डिंग नीड टू सेटअप, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसा वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 MX रिकॉर्ड ऐड करने हैं आपके डोमेन के अंदर, यानी कि अगर आपका डोमेन गोडीडी के अंदर है तो वहाँ पर जाके आपको ऐड करने हैं। अगर आपका डोमेन नेमचिप के अंदर है तो वहाँ जाके आपको ये 2 रिकॉर्ड ऐड करने हैं। इसके बाद आपको एक और टेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये 2 रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। तो आपको जाना है गोडीडी में, इसके बाद जिस डोमेन के साथ अपना बिजनेस ईमेल बनाना चाहते हो इसके सामने DNS का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड करना है, ऐड बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको MX सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको होस्ट के अंदर @ देना है और आपको पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिली है वो वैल्यू यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है। सबसे पहले वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई देगी, इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है। यहाँ पर प्रायोरिटी के अंदर आपको 10 देना है सबसे पहले रिकॉर्ड का। इसके बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक और MX रिकॉर्ड ऐड करना है, रिकॉर्ड के अंदर MX सेलेक्ट करना है। यहाँ पर होस्ट के अंदर @, यहाँ पर पॉइंट्स के अंदर यानी कि पॉइंट्स टू, तो आपको दूसरी वैल्यू यहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है। प्रायोरिटी दूसरे की 20 रहेगी। इसके बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसी तरह से आपको एक और रिकॉर्ड ऐड करना है, ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर डोमेन का नाम मतलब होस्ट नेम के अंदर अगर आप डोमेन नेम लिखोगे तो भी चलेगा, @ लिखोगे तो भी चलेगा,
इसके बाद आपको यहाँ पर टैक्स वैल्यू पेस्ट करनी है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमने सभी प्रकार के रिकॉर्ड एड कर दिए हैं, जितने रिकॉर्ड यहाँ पर हमें बोला गया था कि आपको करना है आपका डोमेन नेम वेरीफाई करने के लिए। इसके बाद क्या करना है, सिंपल आपको आपके डोमेन को यानी कि गोडेडी अकाउंट को एक बार रिफ्रेश करना है। अब देखिए ये रिकॉर्ड चेंज होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपको यहाँ पर आपका स्टेटस है वो चेक करना है। तो यहाँ पर हमने जैसे चेक के ऊपर क्लिक किया तो हमारा डोमेन सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको आपका बिजनेस ईमेल बनाना है, यानी कि आपका बिजनेस ईमेल का एलियास आपको सिलेक्ट करना है। अब देखिए नॉर्मली जो बिजनेस ईमेल होते हैं इसके अंदर ज़्यादातर होता है कि कॉन्टैक्ट, इस जैसे कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट एट द रेट, इसके बाद आपका डोमेन का नाम, या तो बहुत में इन्फो होता है इन्फो एट द रेट आपका डोमेन का नाम। तो यहाँ पर आप अपने मुताबिक रख सकते हो, तो कुछ भी आपको रखना है। यहाँ पर हम रखेंगे हाई एट द रेट डोमेन का नाम, तो ये हमारा एक बिजनेस होगा। तो यहाँ पर ये हमारा एक बिजनेस ईमेल होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। टेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे ईमेल के अंदर जाकर इसके ऊपर एक टेस्ट ईमेल सेट करेंगे। तो हम जाएंगे जीमेल के अंदर, इसके बाद यहाँ से हम एक न्यू ईमेल को कंपोज करेंगे। तो यहाँ पर हम एक टेस्ट ईमेल सेंड करेंगे। टेस्ट करने के लिए हमारा ईमेल था हाई एट द रेट, इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ये हमारा ईमेल था डॉट कॉम। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट के अंदर टेस्ट ईमेल और यहाँ पर लिखेंगे डेमो ईमेल। इसके बाद सिंपल हम क्या करेंगे, सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो चुका है हमारे बिजनेस ईमेल के अंदर। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या ये ईमेल हमें मिला है या नहीं। तो हम जाएंगे हमारे जो इनबॉक्स के अंदर, जिस ईमेल के अंदर हमने फॉरवर्ड किया था, इसके बाद इनबॉक्स को हम रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि BM Tech Tips की तरफ से हमें एक ईमेल आया है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हाई एट द रेट भरत मकवाना डॉट कॉम के ऊपर ये ईमेल आया है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका जो बिजनेस ईमेल है वो रेडी हो चुका है यूज़ करने के लिए। लेकिन इसमें आपको एक प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा कि जैसे आप यहाँ पर रिप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये है जो ये ईमेल है वो जाएगा आपके जो ईमेल है इसके मदद से, यानी कि जैसे मैं यहाँ पर देखिए आपको दिखाता हूँ, हाई का मैसेज सेंड करता हूँ, इसके बाद सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक ईमेल आएगा, इसके अंदर लिखा होगा कि ये ईमेल जो जीमेल अकाउंट से आया है। तो यहाँ पर आपको देखा देगा कि टेस्ट ईमेल आ चुका है। तो यहाँ पर आपको देखा देगा, हम डिटेल चेक करेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो आपको ये हाई का ईमेल आया है वो एक जीमेल अकाउंट की मदद से आया है। अब देखिए बिजनेस ईमेल अकाउंट के अंदर ऐसा तो नहीं चलेगा, यहाँ पर शो होना चाहिए कि हाई एट द रेट भरत मकवाना डॉट कॉम ईमेल की तरफ से हमें ये हाई का ईमेल आया है, तो ही ये ओरिजिनली आपका बिजनेस ईमेल माना जाएगा। तो आपको ऐसा करना है तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको जाना है आपके जीमेल अकाउंट में। इसके बाद आपको यहाँ पर एक गियर का आइकॉन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा अकाउंट्स एंड इंपोर्ट का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एड अनदर ईमेल एड्रेस, इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा एड अनदर ईमेल एड्रेस का पॉपअप आपका सामने ओपन हुआ है। यहाँ पर जो आपका बिजनेस ईमेल आपने थोड़ी देर पहले बनाया है वो लिखना होगा, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा बिजनेस ईमेल। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट टैब के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद के स्टैब के अंदर आपको SMTP सर्वर यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करना है। तो SMTP सर्वर के अंदर आपको यहाँ पर लिखना है SMTP, इसके बाद gmail.com, इसके बाद आपको आपका जो यूज़र नेम है इसके अंदर जो आपका ईमेल है यानी कि हमारा ये ईमेल है तो आपको वहीं लिखना पड़ेगा आपके यूज़र नेम के अंदर। तो आपको वहीं लिखना पड़ेगा आपके यूज़र नेम के अंदर। इसके बाद आपको पासवर्ड जो आपका गूगल अकाउंट है इसका पासवर्ड आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपको ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद जैसे आप ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर देखा देगा कि एक ऑथेंटिकेशन फेल का एरर आया है। तो ये आपको ये कहता कि आपके जीमेल अकाउंट के अंदर यानी कि आपके गूगल अकाउंट के अंदर लेस सिक्योर ऐप एनेबल नहीं है, तो आपको सबसे पहले इसको एनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ओपन करना है आपका गूगल। ओपन करने के बाद आपको जाना पड़ेगा माई अकाउंट के अंदर, यानी कि अकाउंट के ऊपर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको सर्च गूगल अकाउंट लिखा है वहाँ पर आपको लिखना है लेस, इसके बाद सिक्योर ऐप लिखना है आपको यहाँ पर और एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखा देगा कि अलाउ लेस सिक्योर ऐप, अभी ऑफ है, आपको अभी ऑफ है तो आपको सिंपल इसको एनेबल
कर देना है। तो देखिए सक्सेसफुली एनेबल हो चुका है, इसको आप क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर सिंपल जो एक पॉपअप ओपन है इसके अंदर फिर से आपको एक बार बैक स्टेप जाना है, इसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको फिर से SMTP लिखना पड़ेगा, वो पासवर्ड लिखना, इसके बाद आपको ऐड अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके जो ईमेल के अंदर एक ऑथेंटिकेशन कोड आएगा, सिंपल आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो यहाँ पर आपको दिखा देगा आपका यह कन्फर्मेशन कोड है, तो पॉपअप के अंदर जाके सिंपल आपको यह कन्फर्मेशन कोड है वो यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। और अब अगर आप देखिए टेस्ट करोगे, यानी कि यहाँ से आप जीमेल किसी को रिप्लाई करते हो तो इसके अंदर भी आपका जो बिजनेस ईमेल शो होगा। किस तरह से मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ईमेल को कंपोज करेंगे, फिर से हम सेम ईमेल के अंदर एक ईमेल सेंड करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे तो इस तरह से, इसके बाद इसको हम सेंड कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम हमारा इनबॉक्स चेक करते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि ईमेल आ गया है टेस्ट टू, इसको हम ओपन करते हैं। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि ये ईमेल है वो कौन सी ईमेल के अंदर आया है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको देखा जाएगा कि ये हमारे बिजनेस ईमेल के अंदर आया है। अब यहाँ पर हम रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई के अंदर लिखते हैं यहाँ पर हाई, इसके बाद यहाँ पर टू, और इसके बाद हम इसको सेंड करते हैं। तो अब हमें देखना है कि जो हमने यहाँ पर हाई टू का मैसेज सेंड किया है वो मैसेज कौन सी ईमेल से सेंड हुआ है, ताकि जो सामने यूज़र है इसको पता चले कि एक्चुअली ये ईमेल हमें एक बिजनेस ईमेल से आया है। तो हमें जाना पड़ेगा फिर से BMTech टिप के इनबॉक्स में। अब यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि एक ईमेल आ चुका है टेस्ट डो का, इसको हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये ईमेल हमें कहाँ से आया है। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि ये ईमेल कहाँ से आया है, अभी भी ये जीमेल अकाउंट से आया है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने अभी एक सेटिंग के अंदर मिस्टेक की है। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आपको फिर से जाना पड़ेगा इनपुट एंड अकाउंट एंड इनपुट पे। अब यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की थी कि हमने ये ईमेल है, यानी कि जो ईमेल हमने थोड़ी देर पहले ऐड किया था इसको हमने डिफॉल्ट सेट नहीं किया था, तो यही हमने मिस्टेक की थी। आपको यहाँ पर इसके सामने ऑप्शन होगा मेक डिफॉल्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे हम मेक डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब जितने भी ईमेल यहाँ से जाएंगे दूसरे यूज़र को वो हमारे बिजनेस अकाउंट से जाएंगे, यानी कि बिजनेस ईमेल से जाएंगे। तो एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं, यहाँ पर सिंपल दूसरा एक और ईमेल हम कंपोज करते हैं, इसको हम सेंड करते हैं। यहाँ पर फिर से हम टेस्ट ईमेल सेंड करेंगे, इसके बाद सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। हम जाएंगे हमारे इनबॉक्स में, तो यहाँ पर हमें ईमेल आ चुका है टेस्ट ईमेल, इसको हम ओपन करते हैं। अब यहाँ पर मैं रिप्लाई करता हूँ और देखता हूँ कि जो यहाँ से ईमेल जाता है वो अब कौन सी ईमेल से जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाई दिस इज़ अ टेस्ट मेल, उसको हम सेंड करते हैं। तो ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। अब यहाँ पर हम जाएंगे फिर से BMTech टिप्स के इनबॉक्स में, यहाँ पर जो ईमेल आएगा इसको अब हमें चेक करना है और देखना है कि हमें जो रिप्लाई आया है वो कौन सी ईमेल से आया है, यानी कि अब जो रिप्लाई आना चाहिए वो आना चाहिए बिजनेस ईमेल से, तो ही ये हमारा जो कम्प्लीट वीडियो का हार्डवर्क है वो सक्सेस जाएगा। सिंपल हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर क्या करना है, हमें जो हाई दिस इज़ अ टेस्ट मेल, अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये ईमेल ये ईमेल हमें आया है वो कौन सी ईमेल से आया है। तो अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये ईमेल हमें बिजनेस ईमेल से आया है। तो इस तरह से आप बिल्कुल फ्री में जीमेल की मदद से आपका बिजनेस ईमेल बना सकते हो। अब आप आपके यूज़र के साथ जो आपका बिजनेस ईमेल है वो आसानी से शेयर कर सकते हो। एक बार आपने ये जो इम्प्रोमैक्स वेबसाइट है इसके अंदर अपना डोमेन आपने ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पर आसानी से आप दूसरा ईमेल बना सकते हो। यहाँ पर आपको जो भी बनाना है, contact@ आपका डोमेन का नाम, info@ आपका डोमेन का नाम, कुछ भी आप बना सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से आप अपना बिजनेस ईमेल बना सकते हो जीमेल के मदद से बिल्कुल फ्री में। आई होप कि दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहें।